हेलो गाइस, कैसे हो। तो एक और सुहाना दिन हो चुका है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ दिनों पहले बैंक के अंदर एक काफ़ी बड़ी चोरी करी थी, जिसके अंदर से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल चुका है, जिसकी मदद से मैं काफ़ी अमीर भी हो चुका हूँ। और मैंने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा कार्स भी खरीदी है, जो कि मेरे घर के एकदम बगल में ही पार्क है। तो यहाँ पे एक बाइक भी है, जल्दी से हम इस बाइक के अंदर बैठते हैं, क्योंकि मेरे को आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी दिखानी है। तो जल्दी से मैं अपनी बाइक के अंदर बैठ जाता हूँ। तो मैं बाइक के ऊपर बैठ चुका हूँ, अब जल्दी से हम अपनी बाइक को लेके चलते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि मैंने एक ज़मीन को परचेज़ करा है, जो कि मेरे को काफ़ी सस्ते में मिल रही थी। तो मैंने उस ज़मीन को परचेज़ कर लिया है, और मैंने उस ज़मीन को इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मैं उस ज़मीन पर काफ़ी सारी बिल्डिंग और काफ़ी सारे हाउस बना के उनको सेल कर सकता हूँ, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। फाइनली मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ। तो ये एकदम कंस्ट्रक्शन एरिया के साइड वाली लोकेशन है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे हाउस और काफ़ी सारे बिल्डिंग को बिल्ड करवाया है, और यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं इन बिल्डिंग को देखने के लिए। तो अब मैं आपको ये सारा एरिया एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रही वो बिल्डिंग जो कि मैं सेल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग है, और यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं इन सभी बिल्डिंग को देखने के लिए। सामने भी एक आदमी खड़ा है जो कि इन हाउस को देख रहा है। तो अगर उसको ये वाला हाउस पसंद आता है तो मैं उससे बात करने वाला हूँ, और उसको जल्दी से जल्दी इस हाउस को बेच दूंगा। वैसे मेरे को लगता है कि मैंने इस लोकेशन को परचेज करके काफी बढ़िया करा है, पर ये क्या, सामने मेरे को एक और हाउस दिख रहा है जो कि मैंने तो बनवाया नहीं है, पर ये यहाँ पे कैसे आ गया, वो भी मेरी जमीन पे। वैसे ये काफी गलत बात है, किसी ने मेरी जमीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब भी लग रही है। एक और अजीब बात ये भी है कि कल तो मैं इस जगह पर आया था, पर यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। तो एक दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे आ गई। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, तो अब मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाने वाला हूँ, पर इसका डोर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर लॉक लगा है। तो वैसे ये ओपन होने नहीं वाला, तो इसलिए हम इस पर पिस्तल मार के देखते हैं, क्या पता इससे ओपन हो जाए। ये डोर तो पिस्तल से और AK-47 से भी ओपन नहीं हो रहा है। अब मैंने इस पर RPG मार दिया है, पर RPG से भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा के उनको भी ब्लास्ट कर दिया है, पर इससे भी इस डोर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ये डोर ओपन होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, तो मेरे को की जरूरत होगी इस डोर को ओपन करने के लिए। तो मैंने इसलिए अपना फोन निकाल लिया है, और इसके अंदर मैं हाउस की सर्च मारता हूँ, क्योंकि इंटरनेट को सब पता होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च मारा तो इसने मेरे को एक लोकेशन दिखाई है, तो शायद से इस लोकेशन पे हमें इस हाउस की मिलने वाली है। वैसे ये फोटो में देखने से ये तो पता चल गया है कि ये लोकेशन कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपनी बाइक को लेके, क्योंकि ये एरिया हमारे साइड में ही है। फाइनली मैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे पहुंच चुका हूँ, और फोटो में देखने से लग रहा था कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर है। तो जल्दी से हम इस बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं। फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ये रही वो लोकेशन जहाँ पे हमें की मिलने वाली है। तो जल्दी से मैं की को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे को की मिल चुकी है, अब जल्दी से हम चलते हैं इस की को लेके उस बिल्डिंग के पास। फाइनली मैं की को लेके आ चुका हूँ, पर की को वहाँ से यहाँ तक लाने में रात भी हो चुकी है। तो हमारे पास अब की है, तो हम इस घर के अंदर जा सकते हैं। फाइनली मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, पर ये घर अंदर से इतना ज्यादा खराब कैसे लग रहा है। वैसे ये घर बाहर से भी खराब ही था, पर अंदर से कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। वैसे ये घर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों से बंद है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे एरिया देखने में काफी गंदा भी लग रहा है। और ये क्या है, ये तो एक रोबोट है जो कि मेरे पीछे पड़ चुका है। पता नहीं इस रोबोट ने मेरे को देख के यहाँ पे एकदम सायरन बजा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आवाज हो चुकी है। वैसे मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था उस रोबोट को देख के, जो कि मेरे को देखते ही भाई सायरन बजाना चालू कर दिया था उनने। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो चलते हैं हम ऊपर और इस जगह को और भी एक्सप्लोर करते हैं। वैसे ये घर देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ अजीब सी चीज है। तो यहाँ पे एक इंसान की हड्डी पड़ी थी। वैसे देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान को काफी दिनों तक एक केज के अंदर बंद कर रखा है।
है तो सामने क्या है भाई, सामने तो एक चुड़ैल थी जो कि ग्रैनी है। वैसे मेरे को ये सब कुछ समझ में आ चुका है कि वो घर यहाँ पे कैसे आया था। तो वो इस ग्रैनी की मदद से आया था, तो उस ग्रैनी ने अपना घर भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया है। वैसे मैं इस घर के अंदर आ तो गया हूँ पर बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर साइड में क्या था, साइड में एक टकला सा आदमी है जिसके हाथ में एक शॉटगन है। वैसे मैं वहां से बच के आ चुका हूँ क्योंकि वहां पे एक आदमी था जिसके हाथ में शॉटगन है, पर सामने से यार ग्रैनी भी आ चुकी है। तो मेरे को जल्दी से नीचे भागना पड़ेगा। जल्दी से इस डोर को ओपन करो। अब जल्दी से हमें इस डोर को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी मेरे पीछे ही आ रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी अब मेरे पीछे नहीं आ रही है। जब भी हम इस डोर को ओपन करते हैं क्या पता वो दोबारा से आ जाए। डोर तो ओपन हो चुका है, अब जल्दी से हम दोबारा से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, पर भाई यहाँ पे ये बुड्ढा कहाँ से आ चुका है जिसके हाथ में शॉटगन है। तो जल्दी से हम यहाँ पे छुप जाते हैं। वैसे मुझे छुपे हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बुड्ढा यहाँ से चला गया है। पता नहीं बुड्ढा कहाँ से आ जाता है शॉटगन लेके। तो अभी यार ये गया नहीं था, दोबारा से मेरे पीछे पड़ चुका है। तो मेरे को जल्दी से नीचे भागना पड़ेगा और यहाँ पे मैं दोबारा से छुप जाता हूँ। वैसे काफी ज्यादा देर हो चुकी है और ये बुड्ढा भाई मेरे को तंग करे ही जा रहा है। बार बार अपनी शॉटगन लेके मेरे पीछे पड़ जाता है। तो अब मैं इसकी शॉटगन से इसको ही मारने वाला हूँ और इसको मारने के बाद मैं इस घर से भी निकलने वाला हूँ। तो जल्दी से हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो जल्दी से हम इस सीढ़ियों की मदद से ऊपर चलते हैं। तो बुड्ढा शायद से सोने गया है, तो उसकी शॉटगन यहीं पे पड़ी होगी। तो ये सो रहा भाई, आराम से सो रहा है, तो इसको जल्दी से यहीं पे मार देते हैं। वैसे मैंने बुड्ढे को तो मार दिया है, तो अब मेरे को बुढ़िया को भी मारना पड़ेगा। तो बुढ़िया पता नहीं कहाँ पर घूम रही है। तो हम नीचे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरे को बुढ़िया दिख रही नहीं है, पर ये ऊपर से आ चुकी है। अभी ये बुढ़िया मेरे से बचने नहीं वाले ही, तो जल्दी से शूट करते हैं। पर भाई मेरी गन में एमो ही नहीं है, तो मेरे को जल्दी से एमो लेनी पड़ेगी और इस बुढ़िया को मारना पड़ेगा। अब जल्दी से मेरे को एमो भी ढूंढनी पड़ेगी और सामने मेरे को एमो मिल चुकी है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं सारी एमो को उठा लेता हूँ और ग्रैनी को मारते हैं। तो अब वैसे ग्रैनी बचने नहीं वाली, तो सामने से आ चुका है ग्रैनी और मैंने इसको शूट करके मार दिया है। तो मैंने बुड्ढे को और बुढ़िया को दोनों को मार दिया है। अब जल्दी से हम चलते हैं इस घर से बाहर। मुझे इस घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, अब जल्दी से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। फाइनली मैं इस घर से बाहर आ चुका हूँ और मैंने ग्रैनी को और उस टकले बुड्ढे को भी मार दिया है। टकला बुड्ढा कुछ ज्यादा ही बनना था शॉटगन लेके, पर मैंने उसको मार दिया है और इस घर को भी मैं यहाँ से तुड़वाने वाला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक को लेके यहाँ से अपने घर पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।